Hello students, this is Darjan, uh, assistant professor from the rajkin engineering college Manpuri. Uh, this is seventh lecture of unit 4 of uh, quantity estimation and construction management. We will understand about the hauling and conveying equipment basically in this lecture. Okay. We understood about the different types of uh, equipments in the previous lecture and the fundamental and the basically type of the uh, uh, equipment in this previous in the previous lecture of this ch chapter. Okay. ियल और मूव द मटेरियल फ्रॉम टू अनादर प्लेस ओके बेसिकली हम इसको जो हॉलिंग इक्वमेंट है और क्रेन को अलग कर सकते हैं हॉस्टिंग इक्विपमेंट को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हॉस्टिंग इक्वमेंट में हम एक जगह से दूसरी जगह पे विद द हेल्प ऑफ क्रेन कर सकते हैं उसमें हम पुल करते थे उठाते थे देन दूसरी जगह प्लेस करते थे बट इसमें हम किसी मटेरियल को डंप करते हैं किसी कंटेनर में और एक जगह से दूसरी जगह पे हम ले जाते हैं दोनों में अंतर है ओके okay? होस्टिंग में हम उठाते हैं उसको लिफ्ट करते हैं देन प्लेस करते हैं समवेयर एल्स बट वो एक लिमिटेड पोर्शन तक ही वैलिड रहती है हम उसकी मदद से किसी लिमिटेड जगह तक कि ही हम किसी मटेरियल को पहुंचा सकते हैं हम उस तक रेफरेंस दो किलोमीटर एक किलोमीटर इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते किसी सौ दो सौ तीन सौ मीटर तक एक किसी मटेरियल की दूसरी जगह मटेरियल पर यूज कर सकते हैं बट विद द हेल्प ऑफ हॉलिंग इक्विपमेंट वी कैन मूव अ मटेरियल फ्रॉम अ डिफरेंट डिफरेंट किलोमीटर्स बहुत जगह दूरी तक ले जा सकते हैं बेसिकली ओके okay? जनरली हॉलिंग इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होते जो ट्रक्स होते हैं ट्रक्स ट्रॉली बेसिकली टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट आर कॉल्ड एज ए होलिंग इक्विपमेंट एंड कुछ और भी इक्विपमेंट्स है जिसके बारे में हम जानेंगे ओके तो जनरली हॉलिंग इक्विपमेंट्स आर ट्रक ट्रक्स ही वो इक्विपमेंट है जो मटेरियल को हॉल कराते हैं ट्रक ओके okay? तो व्हाट अबाउट व्हाट इज अ ट्रक ट्रक इज अक्मेंट विच फुल फिल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क लाइक हैंडलिंग अर्थ एग्रीगेट रॉक एंड अदर मटेरियल बेसिकली ट्रक ही वो इक्वमेंट होता है जो इतने सारे मटेरियल्स को या लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं मीन्स रख सकता है हम हम हॉस्टिंग इक्विपमेंट से इन इन एग्रिगेट को सॉयल को एक जगह दूसरी प्लेस नहीं कर सकते बट विद द हेल्प ऑफ ट्रक और होलिंग इक्विपमेंट वी कैन वी कैन मूव दिस टाइप ऑफ मटेरियल बिकॉज इसमें हैंडलिंग प्रोसेस होता है इसमें एक जगह पे इकट्ठा करके रखना होता है और चारों तरफ से बंद रखना होता है तीन तरफ से बंद रखना पड़ता है अगर हम इसको लटका देते हैं तो ये बिखार सकते हैं सो द होलिंग इक्विपमेंट और द ट्रक कैन मूव क्यूर हैंडल दिस मटेरियल दिज मटेरियल आर एग्रीगेट अर्थ मटेरियल अर्थ मीज सॉयल बेसिकली अर्थ मीन सभी आ जाते हैं सॉयल रॉक पार्टिकल एंड अदर मटेरियल विच इज यूज विच इज प्रजेंट इन अर्थ क्रस्ट और कॉल्ड एज अर्थ मटेरियल ओके अर्थ एगिगेट रॉक एंड अदर मटेरियल विच कैन भी हैंडल्ड बाई द ट्रक विच कैन यूज द ट्रक ओके द सेकेंड टर्म इज जस्ट द होलिंग यूनिट है स्पीड विच कैन बी ऑपरेटेड बल लोड हैविंग हाई कैपेसिटी एंड प्रोवाइड द लो हॉलिंग सही बात है हम विद द हेल्प ऑफ दिस हॉलिंग इक्विपमेंट वी कैन मूव मूव द मटेरियल विद द हाई स्पीड हमको जल्दी चाहिए जैसे uh, ट्रक की यूज़ क्यों पड़ी हॉलिंग इक्विपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी बेसिकली ये समझते हैं सिंपल तरीके से नॉर्मल चीज़ है जैसे कि अगर हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट बहुत दूर जगह पर या एक आउट uh, स्टेशन जगह पर जो मेन जहाँ पर मटेरियल की एवेलेबिलिटी है यहाँ पर मान लिया कि मटेरियल मिल रहा है इस जगह से काफी सेवरल किलोमीटर दूर है किलोमीटर दूर है ये साइट है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें इन हॉलिंग इक्विपमेंट्स या ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से यहाँ जो ले जाया जाएगा वो ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रक इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलिंग इक्विपमेंट और हॉलिंग इक्विपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रक ओके बट अब अगर यहाँ पर रोड है मींस अगर वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है तो हम टायर्ड व्हीकल का यूज कर सकते हैं जो जिसमें टायर असेंबली हो जिससे हम हाई स्पीड की तरीके से ज़्यादा तेज़ी से हम उसको ले आ सकते हैं बट अगर हमारे पास अगर हमारे पास कच्ची रोड है या रास्ता है यहाँ पर कोई रोड नहीं है तो भी हम ले आ सकते हैं विद द यूज ऑफ क्रॉलर बेसिकली द ट्रक कैन मूव विद हाई स्पीड ओके एज़ कम्पेयर टू अदर अदर मटे अदर इक्विपमेंट्स ये बहुत तेज़ी से जा सकते हैं किसी मटेरियल को एक जगह दूसरी जगह पर तेज़ी से ले आ सकते हैं विद द वेरी लो कॉस्ट ऑल्सो अगर किसी हम मैन पावर की यूज़ करते हैं एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए या बोल कार्ड या दूसरी जगह यूज़ करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट होगी और जो कैपेसिटी होगी वो भी कम होगी काफ़ी हद तक बट विद द हेल्प ऑफ ट्रक इट कैन रिड्यूज अ वेरी हाई लो लेवल हम कॉस्ट को बहुत कम लेवल तक रिड्यूज कर सकते हैं ठीक है ओके समिजाइन एज ऑफ हाईवे ट्रक बिकॉज देय साइज वे हम समझ सकते हैं किसी किसी ट्रक की जो साइज़ होती है बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम हाईवे पे ले आते हैं तो हाईवे डैमेज हो सकता है और हाईवे पे जगह नहीं बच सकती बिकॉज जो हाईवे किसी भी हाईवे या रोडवे की एक कैपेसिटी होती है तो उस पर उतना लोड तक का वजन ले आ सकते हैं अगर ज़्यादा वेट ले आ सकते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है तो दिस टाइप ऑफ ट्रक्स इच इज़ यूज फॉर अ लार्जर प्रोजेक्ट इसको हम जनरली हाईवे से नहीं दूसरे रास्ते से ले आ सकते हैं जैसे ये रहा एक सिंपल तरीके से पिक्चर दिस इज ट्रक इज़ ए वेरी लार्ज कैपेसिटी ठीक है ये बहुत बड़ा होता है इस सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ जो बैठने वाली असेंबली होती है और इसका साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है क्यों बड़ा है क्योंकि जो लोडिंग असेंबली है इसकी जो कैपेसिटी है कैपेसिटी uh, है जो मटेरियल को रखने की वो भी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए बेसिकली दिस इज अ टायर्ड ट्रक टायर ट्रक विथ अब टायर ट्रक है तो इसकी इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी विथ हाई स्पीड एनर्ट इज ऑल्सो हैज ए हाई कैपेसिटी सिंपल वर्ड बोले तो हाई कैपेसिटी सिंपल तरीके से ओके तो दिस इज सिंपल टर्म्स ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रक ओके नाउ द द वी वी अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रक देर आर अ वेरी मेनी सेवरल फैक्टर्स विच इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रक सेवरल फैक्टर आज़ आर द फर्स्ट वन इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रक इज अफ अ ट्रक ओके साइज ऑफ अ ट्रक साइज मीन्स देखो जैसे हमने ये ट्रक देखा इसका साइज बड़ा था तो इस साइज़ के ट्रक को अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे ये ट्रक हमारा हर जगह नहीं चल सकता ये ट्रक हमारा हाईवे पर नहीं चला सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वेट ज़्यादा होता है इसके ऑन नॉट वी रन ऑन द सर्फेस ऑन द हाईवे बिकॉज हर किसी रोड की कैपेसिटी एक होती है एक रोड की लोड बेरिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम उस पर लोड नहीं चला सकते ओवर वेट नहीं चला सकते ओके okay? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड साइज़ ऑफ अ ट्रक हम बोल सकते हैं एक होता है लो साइज़ मतलब स्मॉल साइज़ ट्रक स्मॉल साइज ट्रक मीडियम साइज ट्रक एंड बिग साइज ट्रक द सेकेंड वन इज अ टाइप ऑफ द इंजन हम कह सकते हैं पेट्रोल और डीजल अगर वो इंजन या फ्यूल उसमें जो कंजम्पन है वो पेट्रोल है तो उसको पेट्रोल ट्रक कहेंगे पेट्रोल टाइप ऑफ इंजन ट्रक कहेंगे और डीजल इन दोनों में अंतर है बेसिकली बेसिकली हम जहाँ पर जो हैवी लोड को हैवी लोड को पुल उठाना होता है जो हैवी लोड को ले आ सकते हैं जिस ट्रक की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उन ट्रक में जनरली डीजल इंजन का यूज किया जाता है क्योंकि डीजल इंजन ज्यादा हैवी होता है ज्यादा बड़ा होता है तो बड़ा है उसकी पावर ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी ओके okay? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंजन वी कैन डिवाइड द ऑन द पेट्रोल एंड द डीजल द थर्ड वन इज अ व्हील टाइप व्हील टायर ओके ओके हम इसको दो तरीके डिवाइड कर सकते हैं पहला कर सकते हैं ऑन द टाइप ऑफ द व्हील और टायर एक हो सकता है टायर एक सकते हैं क्रॉलर बट अगर हम टायर की बात करें तो टायर में भी इसमें पार्टीशन डिवाइड किए गए हैं जैसे कि टायर में फोर व्हील ट्रक होते हैं सिक्स व्हील ट्रक होते हैं और एट व्हील ट्रक होते हैं अब इन्हें अलग अलग क्यों डिवाइड किया गया बेसिकली जो कम व्हील का ट्रक होगा उसकी कैपेसिटी कम होगी जो ज्यादा व्हील का ट्रक होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी बेसिकली तो फोर व्हील और सिक्स व्हील और एट व्हील में किसी ज़्यादा कैपेसिटी होगी ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि सिक्स व्हील ट्रक की ज्यादा हो कैपेसिटी होगी क्योंकि इसमें जो व्हील है वो आठ लगाए गए हैं तो आठ इसी लगाए गए होंगे कि इसमें जो वेट आ रहा है जो लोड आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है ओके तो इट हैज ए लो कैपेसिटी ट्रक सिंपल तरीके से करें तो इसको Low capacity, this is medium capacity and it has a high capacity. ok. Uh, on, the, on the another classification of the uh, truck is a dumping method, on the basis of a dumping method, it can also be divided. डंपिंग मैटर मीन्स रेयर डंपिंग बॉटम डंपिंग एंड साइड डंपिंग अब मींस जो ट्रॉली जो कंटेनर होता है जिसमें हम मटेरियल को फिल करते हैं उसकी डंपिंग अलग अलग होती है अगर वो पीछे तरफ डंप कर रहा है सीधे रेयर आगे तरफ डंप कर रहा है तो उसको रेयर डंप कहेंगे बॉटम डंप यानी कि नीचे की तरफ डंप कर रहा है नीचे से उसके गेट खोल रहे हैं तो उसको बॉटम डंप कहेंगे कैसे समझते हैं देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पर टायर्स हैं और ये हमारे पास आगे है जो बेसिकली चला रहा था ओके तो, तो अगर हमारे पास ये, ये ट्रॉली है ये अगर यहाँ से ओपन हो रही है तो उसको हम कहेंगे रेयर डम। अगर ये नीचे से ओपन हो रही है तो उसको बॉटम डम। और अगर साइड से ओपन हो रही है जो मटेरियल को निकाल रही तो उसको कहेंगे साइड डम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ डंपिंग मेथड वी कैन आल्सो डिवाइड द ट्रक्स ट्रक्स इन द थ्री टाइप फर्स्ट बने जाए रेयर डम्प सेकंड इज बॉटम डम्प एंड थर्ड बने जाए साइड डम्प ओके ओके टाइप ऑफ द ट्रक हम इसको रिमूव कर दे थोड़ा सा मिटाल दे रहे हैं। फिर हम समझते हैं ओके ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी ऑन क्यूबिक मटर सही बात है जैसे कि अगर हम प्रीवियस इस ट्रक को देखें तो इसकी कैपेसिटी जो मटेरियल रखने की जो सॉयल रखी हुई है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी इन मीटर क्यूब क्योंकि हम क्यूबिक मीटर में बात करें क्यूबिक मीटर में कैसे इस इसका वॉल्यूम चेक कर लेंगे इस जो वॉल्यूम जो होगी उसकी कैपेसिटी कहलाएगी ओके okay? तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेसिटी वी कैन ऑल्सो डिवाइड द ट्रक इन आर डिफरेंट पार्ट्स कैपेसिटी बेसिकली इसकी जनरली कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी पचास मीटर क्यूबिक मीटर के आसपास होती है एक नॉर्मल ट्रक की ठीक है ठीक ऑन द बेसिस ऑफ द गेयर्स हम जे भी कर सकते हैं अगर गेयर्स ज़्यादा हैं किसी इंजन के तो वो, वो वो हाई लेवल तक उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी हाई वेट को को लिफ्ट कर सकता है या हाई वेट को रख सकता है इसमें गेयर्स कम होंगे उसके बेसिस पे डिफाइंड कर सकते हैं टाइप ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल होल्ड ओके किस टाइप का मटेरियल होल्ड कर रहा है बिकॉज अगर कैपेसिटी की बात करें कैपेसिटी की बात करें तो अगर किसी मट किसी मान ले मान लेते हैं अगर एग्ज्यूम करते हैं किसी ट्रक की किसी ट्रक की कैपेसिटी दस मीटर क्यूब है मान लेते हैं एग्जूम करते हैं दस मीटर की काफ़ी कम होती है दस मीटर क्यूब है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दस मीटर क्यूब का जो वो जो क्या कहते हैं ट्रक है वो हर तरीके मटेरियल ले आ सकते उसकी उसकी पावर पे डिपेंड करता है क्योंकि हर तरीके के मटेरियल का अलग अलग मटेरियल का जो डेंसिटी है जो वेट है वो अलग अलग होता है जैसे अगर मटेरियल वो आयरन ले जा रहा है सॉयल की बात करते हैं सॉयल दूसरा मटेरियल एग्रीगेट और थर्ड मटेरियल इज आयरन सो so, अगर अगर हम माने कि वो जो 10 मीटर की कैपेसिटी वाला ट्रक पूरा फिल हो जाता है और सॉइल को ले जा सकता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो पूरा फिल होकर एगेट को ले जा सके क्योंकि उसकी जो पावर है जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है वो 10 मीटर की सॉइल के लिए है बट अब एग्गेट की बात करें तो एग्गेट का वेट है जो वो सॉयल से ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दस मीटर क्यों भी ले जा सके ओके तो हम अलग अलग टाइप के ट्रक्स को डिवाइड कर देते हैं अगर कोई छोटा ट्रक है छोटा ट्रक है बट उसकी कैपेसिटी इन द टर्म्स ऑफ वेट ज़्यादा है तो वो वो एक ही हैवी ट्रक माना जाएगा क्योंकि वो छोटा ट्रक है लेकिन उसको उसमें जो वेट है वो बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है जैसे अगर कोई ट्रक है जिस जिसपे हम आयरन रख रहे हैं तो आयरन या लोहे की जो रॉड्स होती है उनको हम फुल पूरा फुल नहीं करते क्योंकि उसमें वेट बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर ट्रक है उसकी ट्रॉली है तो ट्रॉली में हम देखते हैं कि जो जब सॉइल भरी होती है या सैंड भरी होती है तो ऊपर तक भर देते हैं ठीक है बट जब एगेट भरते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ऊपर तक नहीं भरते हैं क्योंकि तो उस जितना वेट फुल तक है उतना ही वेट गेट में कम तक होगा और अगर हम किसी किसी जगह पे अगर हम आयरन भरते हैं आयरन रॉड्स की बात करते हैं तो उसको जो फिल करते हैं बहुत कम लेवल तक ही फिल करते हैं क्योंकि तो उतने लेवल तक ही उतने लेवल तक ही उस आयरन का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए हम उसको कम करते हैं ठीक है ना तो अलग अलग तरीके के जो ट्रक्स होते हैं जो अलग तरीके के मटेरियल को हॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं इसको एक दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम अगर हम बिटूमैन की बात करें जो एसफॉल्ट की बात करें जो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल पेमेंट को कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जो ट्रक्स होते हैं वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं उन तरीके ट्रक को अलग ही डिवाइड कर दिया जाता है बिकॉज बिटूमेन अगर एक जगह प्लेस हो गया जब उसको रिमूव करेंगे तो वो अपनी अपनी जगह वहीं छोड़ देता है वो चिपक जाता है तो उस तरीके के ट्रक को हम दूसरी मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर विटामिन कहीं पर रखा हुआ है तो वहाँ पर उतना मटेरियल नहीं प्लेस हो पाएगा इतना होना चाहिए तो अलग अलग मटेरियल्स में जैसे अगर कोल के लिए कोई ट्रक डेडिकेटेड है तो कोल के लिए अलग कर देते हैं रॉक के लिए अलग कर देते हैं ओह के लिए अलग कर देते हैं विटामिन के लिए अलग कर देते हैं और ये और री इन्फोर्समेंट भी और आयरन एगेट ऑफ सॉइल के लिए भी हम अलग अलग कर सकते हैं तो दीज आर द सिंपल टर्म क्लासीफिकेशन ऑफ ट्रक ट्रक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया हमने देखे नाउ ना अनदर हॉलिंग असेंबली एंड देन सम समर्म्स ऑल्सो वॉट इज द पे लोड द मैक्सिमम लोड फॉर अ हॉलिंग यूनिट बेसिकली समझ सकते हैं हॉलिंग यूनिट किसी भी मटेरियल का एक पे लोड होता है वही हम बात कर रहे थे उसको एक तरीके से समझते हैं पे लोड के टर्म में समझते हैं वॉट इज द पे लोड जैसे हमने मान लिया किसी ट्रक का एक पे लोड है बोल सकता है कि वो ट्रक फिफ्टी टन तक वजन ले सकता है उससे ऊपर नहीं ले सकता मान लेते हैं 50 टन तक ले सकता है ज़्यादा नहीं ले सकता इट मीनस अगर उस मट उसमें सॉयल भरी हुई है यहाँ तक उसका वेट अगर 50 टन से कम है तो उसको ले जा सकता है ठीक अगर उसमें एगेड भरा हुआ है लेकिन एगेड का वेट हमारा उस ट्रक में कम ही लेवल तक जा रहा है तो उसी लेवल तक ले जा सकते हैं उसी तरीके से अगर आयरन है उसमें आयरन हमारे इतने लेवल तक ही फिफ्टी टन हो जाता है तो उसके ऊपर नहीं ले जा सकते अगर इसके ऊपर ले जाएंगे तो इट कैन डैमेज ट्रक इट कैन डैमेज रोड ऑल्सो ठीक है अगर वो ट्रक अगर हम ओवर वेट करके ले आते हैं तो वे ट्रक हमारे जो वेट है वो ट्रक को डैमेज कर सकता है एज वेल एज उसको एज वेल एज हम बोल सकते हैं किसी रोड को भी डैमेज कर सकते हैं तो सिंपल तरीके से अगर पे लोड की बात करें तो पे लोड इज़ अ मैक्सिमम लोड ऑफ अ हॉलिंग असेंबली और हॉलिंग यूनिट और अ ट्रक एज पर एज पर द मैनुफेक्चर ठीक है किसी का होता है कि हमारा ट्रक है इसकी कैपेसिटी पचास टन है बड़ा ट्रक है इसकी सौ टन है छोटा ट्रक है इसमें दस टन कैपेसिटी है दस टन से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकते जट इज क्वाल पे लोड ओके तो सेकंड टर्म इज अ साइकिल टाइम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बेसिकली सिंपल तरीके से अगर किसी ट्रक के कारण किसी मटेरियल को एक जगह दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है और उस ट्रक को वापस उस जगह पे आ जा रहा है तो जो टाइम टाइम लगता है उसको उसको उसको, उसको बोलते हैं साइकिल टाइम हमको साइकिल टाइम रिड्यूस करना चाहिए जम से कम होना चाहिए क्योंकि साइकिल टाइम कम होगा उतना ज़्यादा मटेरियल को एक दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं ओके दी आर टेक्निकल टर्म्स द ट्रक नाउ द एन असेंबली एंड द टाइप ऑफ अ होलिंग इक्विपमेंट इज अ कन्वेयर बेल्ट व्हाट इज अ कन्वेयर बेल्ट हमने बहुत जगह देखा हो कन्वेयर बेल्ट इसलिए जब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट्स पे हम एंट्री करते हैं तो जो हमारा जो लगेज होता है जिसकी चेकिंग होती है वो कन्वेयर बेल्ट से होते हुए हो जाता है और जब आता है हमारे पास जब हम आ, जब हम अपने मटेरियल अपने बैग्स को लेते हैं तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ही आता है बट दिस टाइप ऑफ कन्वेबिल्टीज यूज फॉर द आवर लगेज बट इन द इवन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिस टाइप ऑफ कन्वेबिल्टी यूज विच इज़ यूज फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द कंटिन्यूस बे हम इस बेल्ट को लगा रहता है चलता रहता है चलता रहता है और उस पर एक जगह से मटेरियल डंप होता जाता है और दूसरे मटेरियल पहुँचता जाता है तो इस तरीके असेंबली से हम किसी मटेरियल को कंटीन्यूस वे में लगा सकते हैं इसकी लेंथ भी हम रख सकते हैं बट इसकी लेंथ हम एज़ कम्पेयर टू ट्रक ज़्यादा दूरी तक नहीं ले आ सकते हैं बट एज़ कम्पेयर टू हॉस्टिंग इक्विपमेंट इट कैन बी यूज़ फॉर अ लार्जर डिस्टेंस ओके सिंपल तरीके से तो कम कन्वेयर बेल्ट के बारे में सोच समझ देते हैं री मटेरियल इन समझ रहेन बी हॉर्जों हॉरीजोंटल इट कैन मूव लाइक इंक्लाइंड इट कैन बी वर्टिकल बट वैन बी यूज मटेरियल इन अ वर्टिकल वे इट कैन नॉट बी say that इट is a conveyor belt then the name change iska naam badal jata hai दब iska naam hum एलिवेटर रखते हैं इसको मटेरियल को एक जगह से ऊपर जगह पे हम एलिवेट कर रहे हैं देन हम कन्वे वेल्ट को एलिवेटर के दाम से बोल देते हैं तो वेन द मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल लिंक एंड इट इज कॉल्ड एज ए कन्वेयर बट वैन इट बिकम्स अ वर्टिकल इट कैन इट इट इज़ कॉल्ड एज एलिवेटर ओके तब हम इसको एलिटर ही कहेंगे तो इस तरीके की मूवमेंट में और इस तरीके की मूवमेंट में हम इसको कन्वेयर कहेंगे ओके बट वेन इट गोज एलिवेटर ओके ओके इट हैज कैपेसिटी बिकॉज हैव अ कंटिन्यूस मोशन वेरी सही सी बात है ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है अगर हमने किसी चार या पाँच किलोमीटर की लेंथ पर हमने किसी कन्वे uh, बेल्ट को बिछा रखा है तो इसका कंटिनुअस मोशन होगा और पर आवर में एक आवर में ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा कैपेसिटी के लार्ज अमाउंट एक जगह दूसरे जगह प्लेस कर सकता है जो हमारी ट्रक भी नहीं कर पाता बट अगर हम ट्रक और इसमें कंपेयर करें तो ट्रक हमारा सेवन किलोमीटर सौ दो सौ किलोमीटर से एक मटेरियल को दो मटेरियल एक एक मटेरियल को दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं इससे ज़्यादा भी करता है बट विद द हेल्प ऑफ कन्वे वेल्ड वी कैन नॉट यूज़ फॉर द लार्जर डिस्टेंस हम एक लिमिटिंग डिस्टेंस तक जा सकते हैं बट डिस्टेंस इज़ हाइयर एज कंपेयर टू हॉस्टिंग इक्विपमेंट हम हॉस्टिंग इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो उससे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है ओके सो नाओ दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट बेसिकली सिम्पल पिक्चर ऑफ द कन्वेयर बेल्ट विच इज यूज फॉर अंग बन मटेरियल दिस इज अल अर्थ मटेरियल हम एक जगह दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं ओके द सम पार्ट्स ऑफ द कन्वेयर मटेरियल देर आर सम्यूअस बेल्ट आइडलर ड्राइविंग यूनिट टेल पुलिस टेकअप यूनिट एंड द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दीज आर दर्ट द कन्वेयर बेल्ट इसीलिए यही सब मिलके बनाते हैं बेल्ट को जो एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल प्लेस करता है ओके ओके सम 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 आर आर द पावर 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 ऑफ ऑफ कन्वेयर कन्वेयर बेल्ट बेल्ट असेंबली शुड बी इनफ टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशन हमारे किसी कन्वेयर बेल्ट की जो पावर होती है पावर मीन मटेरियल लिफ्ट करने की मटेरियल उठाने की मटेरियल प्लेस करने की कुछ पावर uh, ऐसी होनी चाहिए कि कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर दे जैसे कि किसी मूव किसी मटेरियल को मूव कर सके हॉरिजॉन्टल लोड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओके इट कैन मूव अ वर्टिकल आल्सो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा सके टर्निंग ऑल द पुलिस पुलिस मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करा सके बाय द टर्निंग ओके मूव द एम्पटी बेल्ट एम्पटी बूट को मूव करा सके कंपनसेशन द लॉसेस लोसेशन ऑपरेटन टिकट ये सारे तरीके की जो पावर्स हैं सारे तरीके के ऑपरेशन है ये सारे तरीके के ऑपरेशन एक साथ चला सके कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए ऑल ऑपरेशन बी साइमलटेनि सो दैट इज कॉल्ड एज ए पावर इतनी मिनिमम पावर होनी चाहिए तो इतने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं दैट इज कॉल्ड एज ए पावर ऑफ कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट इतनी तरीके की जो जितने तरीके की जो असेंबली है इतनी तरीके की जो यूनिट्स है ये ऑपरेशन से एक साथ चल सके एक साथ चल सके तो वही हमारी कन्वेयर बेल्ट कहलाती ना तो देर आर सम एडवांटेज ऑफ कन्वेयर बेल्ट ओके देर आर वेरी एडवांटेज कंटिन्यूस यूनिफॉर्म हॉलेज एक तरीके से कंटिन्यूस मटेरियल हमको मिलता जा रहा है दैट इज ए वेरी गुड एडवांटेज ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट एंड यूनिफॉर्म हॉलेज सेकेंड एडवांटेज इज ए लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट देर इज वेरी लो कॉस्ट बिकॉज हमको पर आवर्स में या पर डे के बेसिस में बहुत ज्यादा मटेरियल हॉल कर पा रहे हैं जरूरत है। तो है। तो नहीं पड़ती है क्योंकि मटेरियल तो एक मशीन ला रही है एबल टू द्रॉस एंड टैन वेरी हम कर सकते हैं अगर हमको किसी पर क्रॉस ड्रेनेज करना है मीन क्रॉस वर्क भी करना है जैसे एक हमारे पास इधर जा रही है कन्वे बेल्ट उसके नीचे या ऊपर हम एक इधर कन्वे बेल्ट भी पास कर सकते हैं तो क्रॉस ड्रेनेज या क्रॉस वर्क भी क्रॉस एडवर्स टेरन भी कर सकते हैं ठीक है द हाई रिलायबिलिटी एंड एक्सलेंस सेफ्टी इन दिस इन दिस इन द कन्वे बेल्ट बट दे आर एडवांटेज ऑफ कन्वे बेल्ट ऑल्सो दिस व्हाट इज दे आर द फर्स्ट इज अ वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट ओके हम इसको अगर लगाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन साइट पे तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है जो खरीदने की परचेजिंग कॉस्ट है और जो असेंबली कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो इस तरीके के जो बेल्ट कन्वेयर है वो वहीं यूज किया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है वहीं पर यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो इसकी हाई कॉस्ट इतना अफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये शॉर्टर टर्म में लगता है लेकिन जब लॉन्गर ड्यूरेशन में जाते हैं तो ये इनिशियल हाई कॉस्ट बाद में हमको फ़ायदे पहुँचाती है सेकेंड बनी जी स्किल रिक्वायर स्किल लेबर अगर हमको इसको ऑपरेट करना है इसके इसकी मशीनरी को तो हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी हम किसी नॉर्मल लेबर से नहीं करा सकते क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लेबर ही इसको सही कर सकता है ना तो सेकेंड इज है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक वेरी गुड हमको इसको एक कंटिन्यूस सप्लाई देनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की इसीलिए वर्क कर सकती है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है किसी ठप हो जाती है तो ये मशीन भी रुक जाएगी सो so, हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई देती है बेसिकली इस कन्वे बेल्ट का यूज़ हम फैक्ट्रीज में ज़्यादा देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा फैक्ट्रीज में इन कन्वे बेल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा तरीके से होता है क्योंकि कन्वे वहाँ पर हमें जो प्रोडक्शन करना होता है किसी मटेरियल का किसी किसी प्रोडक्ट का वो इन द कंटिन्यूस मैनर कंटिन्यूस वे में चाहिए होता है इसीलिए फैक्ट्रीज में दिस टाइप ऑफ कन्वे बेल्ट इज वेरी कॉमन यूज ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉलिंग इक्विपमेंट देर आर बेसिकली हमने हॉलिंग इक्विपमेंट के बारे में जाना तो मेनली जो हॉलिंग इक्विपमेंट होता है वो क्या होता है बेसिकली ट्रक होता है हॉलिंग मीन एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करना देन uh, उसको मेनली यूज किया जाता है वो ट्रक होता है ओके ट्रक है हॉलिंग इक्विपमेंट देर आर ट्रक की जो फुल फिल्मेंट है वो हम समझ चुके हैं देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रक दिस इज अ सिंपल पिक्चर ऑफ ट्रक रबर टायर ट्रक ओके डिजिटल ट्रक असेंबली जहाँ पर मटेरियल को लोड किया जाता है देयर सेवरी टर्म्स विच इज यूज फॉर अ ऑफ़ ट्रक देर टर्म्स आज फॉलोइंग हमारे पास लिखे हुए हैं इस इन इन तरीकों से हम किसी भी ट्रक को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन सारे तरीकों से ओके okay? हमने एक कहकर सभी को जाना देन कैपेसिटी या कुछ टेक्निकल टर्म के बारे में जाना चाहिए पे लोड किसी भी ट्रक की जो मैक्सिम कैपेसिटी जो उसको लोड कर सकती है उसकी पेलोड कहलाता है और एक कम्प्लीट वर्क को एक कंप्लीट ऑपरेशन को जो कंप्लीट करने में टाइम लगता है डेट इज कॉल्ड एज साइकिल टाइम ओके द एनदर टाइम एनदर टाइप ऑफ द हॉलिंग इक्विपमेंट इज अ कन्वेयर बेल्ट Uh, ियल को कंटिन्यूस मैनर में चाहिए तो उसको कन्वे बेल्ट की मदद लेंगे अगर vertical, सकती है. तो उसको कन्वे बोलेंगे बट अगर हम वर्टिकल मोशन कराते हैं तो उसको एलिटर के बोलते हैं ओके दिस इज सिंपल पिक्चर ऑफ अ कन्वे बेल्ट ओके दिज आर पार्ट कन्वे बेल्ट देर देश विच कैन बी फुलफिल फॉर द कन्वे बेल्ट हमको पावर अगर मिनिमम ही चाहिए तो ये सारे ऑपरेशन एक साथ चल सकें उसकी पावर कहलाती है चल सकें उतनी पावर हमको रिक्वायरमेंट होती है किसी कन्वे बेल्ट के लिए ओके देर आर सम एडवांटेज ऑल्सो फॉर कन्वे बेल्ट बट इफ़ देर आर सम एडवांटेज देर शुड बी देर मे बी आर समिसएडवाटेज ऑल्सो देर आर सम समिसवानज ऑफ कन्वे बेल्ट ओके तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर